लूप कंट्रोल वेरिएबल जो मैंने आई बनाया है, उस आई को मैंने इनिशियलाइज करवाया 2 से, और मैं चाह रहा हूँ कि वो 30 से छोटा या इक्वल ही रहे, 30 से ज्यादा ना चाहे, बड़े 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30 से आगे मैं जाना लेकर जाना नहीं चाहता। इस वजह से ये लिखते हैं कंडीशन कि आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने लूप कंट्रोल वेरिएबल को कि हाँ भरो लेकिन इससे ज्यादा ना भरना, मतलब 2 का इंक्रीमेंट होता है, 1 का इंक्रीमेंट करना हो तो सिर्फ यूं लिख देते हैं प्लस प्लस, 2 का करना हो तो आपको इस तरह से काम करना पड़ता है। तो अब इसको मैं रन करके देखता हूँ, तो 2 से लेकर 30 तक ये 15 इवन नंबर आ रहे हैं। अगर किसी ने ये कह दिया कि नहीं 0 इवन नंबर होता है और हम लोगों को मानना पड़ा, हम सब लोगों को, तो फिर हम यहाँ पर 0 करेंगे और यहाँ पर फिर हम 28 करेंगे और तब हमारा प्रोग्राम इस तरह से हो जाएगा। इन केस कोई मना लेता है कि नहीं यार 0 से स्टार्ट करना है, तो फिर इन केस फिर वहां से करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा एक चीज सीख लें, 4 के अंदर हेडर के अंदर ही इनिशियलाइज हो जाता है, हेडर के अंदर ही कंडीशन होती है, हेडर के अंदर ही इंक्रीमेंट हो जाता है, वाइल में ऐसा नहीं होता, वाइल में इंक्रीमेंट आपको अलग से करना पड़ेगा। और यूं भी कर सकते हैं आप इंक्रीमेंट, इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको जो पहले तरीका बताया इस तरह से भी कर सकते हैं आप, तो जैसा आपका दिल करे 2 का इंक्रीमेंट आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और आप 2 का इंक्रीमेंट इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये इनिशियलाइज मैंने करवा दिया, वाइल चेक कर रहा है कि 30 से छोटा या इक्वल हो, और प्रिंट करवाने के बाद इंक्रीमेंट होता रहेगा। चलिए अब इसको चला कर देखते हैं, 2 से लेकर 30 तक प्रिंट हो गया, तो आप वाइल से भी ये काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। गो टू लगाकर इफ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा।